आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। जब सर ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा। अभी क्या कर रहे हैं आपको, आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं आपके, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। नहीं एक मिनट, राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको, ECP को बुला लेना जरा एक मिनट जी, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए कंप्लायंस के तक। सर ये आए थे 3 बजे आपके पास, और हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की। नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी। बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड, आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर। इनके जो ये जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं? सर ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं है, टोटल का है सर। लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th ऑफ जनवरी व्हेन फॉर्म 32 इज ड्रॉन। इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा, सैंपल अलॉटमेंट होगी, तो इट विल बी ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? 10 तारीख तक, आज आखिरी है दायरगी की, दायर तो 10 तक फैसले करने हैं, 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की। इनको सुन तो लें जी, 3 तारीख, टुडे वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स अपील्स एंड 10th ऑफ जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग द अपील। तो अभी वक्त है आज, why you here in the supreme court, you should go and file appeals before the tribunals, kuch appeal file, why you losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटों हाई कोर्ट में जरा देख लीजिएगा, फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई है। सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा, आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में। हम क्या चाह रहे हैं, हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो, हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ, जब आपको एक फोरम मौजूद है, व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना। ये जरा पेज 12 पे पढ़िए जरा, मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द IG एंड चीफ सेक्रेटरी, ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर, और माय क्रिमिनल ओरिजिनल, ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले, विद ग्रेट कंसर्न I have the honor to state to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging to is khat ka is case se kya taluk hai, ye jo taluk hai isi se bahut gehra taluk hai, kyunki inhone jo bakaur instructions bheji hain uska ye asar ho raha hai, zara sawal to khatam hone de na। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है, ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है, इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को, ये आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने, आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी, नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की, आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी भेजा, ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है टू ECP? कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा, हमारे पास नहीं आई है ना, अभी दे रहे हैं, देखते हैं ना क्या कंप्लायंस की ऑर्डर थी, वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी, पेज 23 प्रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में हमने